हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कृतिका शानवी क्राफ्ट एंड कुकिंग बाय अर्चना। आज मैं आपके साथ मसाला ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना काफ़ी आसान है। आप इसे मॉर्निंग में या इवनिंग में भी आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मसाला ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड, तो यानी यहाँ वाइट ब्रेड यूज़ किया है। आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन्हें सबसे पहले सेक लेंगे। तो सेकने के लिए मैंने गैस ऑन करके एक तवा ले लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइसेस सेक करके रख देंगे। एक साइड से ब्रेड अच्छी तरह से सीख चुका है, तो अब हम इसे टर्न कर देंगे ताकि दूसरे साइड से भी ये अच्छी तरह से सीख जाए। सारे ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड को सेक कर अच्छी तरह से रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं है, बिल्कुल इस तरह से ही हमें सेक कर रेडी कर लेना है। इसके बाद हम इसे काट कर रेडी कर लेते हैं। तो इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट कर रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो बस चार टुकड़ा भी कर सकते हैं। और एक एक करके सारे ब्रेड को हम काट कर तैयार कर लेंगे। सारे ब्रेड कट कर रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें अलग बर्तन में रख लेते हैं। इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने गैस ऑन करके एक कढ़ाई ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। आप चाहें तो इसकी जगह सरसों तेल भी यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब राई। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता। अब हम इन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने यहाँ मोटा ही काटा है, बहुत बारीक नहीं किया है। आप चाहें तो इसे बारीक कर भी सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटा हुआ टमाटर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर लें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे ढक देंगे ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से मैश करते हुए एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसमें। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मैं थोड़ा सा कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक मैंने पहले कम डाला था, तो अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी दही। आप दही की जगह नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे एक बार ढक देंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। ये उबल चुका है, तो अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे जितना कि हमारा ब्रेड हो, ताकि ब्रेड इसमें अच्छी तरह से कोट कर ले। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो ब्रेड गीला हो जाएगा। तो ब्रेड को हमें गीला नहीं करना है, तो इसमें बहुत ही कम पानी यूज करें। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी के करीब पानी लिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रेड का टुकड़ा और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि सारी ग्रेवी ब्रेड में मिल जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी रोस्टेड मूंगफली, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। इसके साथ ही इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक कटी हुई।
अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। और हमारा मसाला ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।